आप सिर्फ अपने मन में, अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में या अपनी ऊर्जाओं में योग कर सकते हैं, या बस अपने बैठने और खड़े होने के तरीके से आप योग कर सकते हैं। अपने दफ्तर में जब आप बैठें, तो एक निश्चित तरीके से बैठें। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है? आपको समझना चाहिए कि विकास के प्रक्रिया में जो बुनियादी बदलाव हुए, विकास क्रम में ये महत्वपूर्ण चरण आए, रीढ़ नहीं थी पर विकसित हो गई। इसका अर्थ है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम अधिक जटिल और व्यवस्थित हो गया, तो एक ढांचा जरूरी हो गया। विकास की प्रक्रिया में एक और अहम प्रगति ये हुई कि रीढ़ क्षैतिज से सीधी खड़ी हो गई, बड़ा बदलाव। रीढ़ के सीधा होने के बाद ही मस्तिष्क का ये फूल विकसित हुआ, तब तक ये छोटा सा था। तो आपकी बुद्धिमानी के मुख्य कारण है वो न्यूरोलॉजिकल विकास जो आपकी रीढ़ के अंदर हुआ, और रीढ़ की सीधी प्रकृति। आप सिर्फ इतना योग करें, जहां भी आप बैठें, चेतनता में अपनी रीढ़ सीधी रखकर बैठें। अगर आपके कंधे दुखते हैं क्योंकि वो मजबूत नहीं है, तो उन्हें सहारा दें। बस जब भी संभव हो इस तरह बैठें। कम से कम दिन में 3 घंटे सजग रहें, सिर्फ ऐसे बैठें। आप देखेंगे कि आपकी कई चीजें बदल जाएंगी, सिर्फ मुद्रा नहीं, जिस तरह आप सोचते, महसूस करते और जीवन को अनुभव करते हैं, वो धीरे धीरे बदलने लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं, न कि ऐसे। लेकिन आज आपके सारे फर्नीचर का डिजाइन अमेरिका से आता है, जिस पर बैठकर आप कुशन में घुस जाते हैं। देखिए, एक मांसपेशियों और अस्थि पंजर का आराम होता है और एक भीतरी अंगों का आराम होता है। उदाहरण के लिए, आप ऐसे बैठे हैं, अभी अभी आप खाकर आए और आपको ऐसे बैठने का मन हुआ। आपको समझना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण अंग इस हिस्से में हैं, वो एक जगह जुड़े हुए नहीं है, वो सभी नेट में झूल रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो सभी इस तरह एक के ऊपर एक गिरेंगे, उनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं करेगा। आप बस इस तरह बैठे, वो अलग अलग झूलते हुए अपना काम करते रहते हैं। ऐसे बैठने से काम बिगड़ेगा, तो खासकर भोजन के बाद आप इस तरह लेटते हैं तो सब कुछ भीतरी अंगों पर बहुत भार पड़ेगा और वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो योग हमेशा अंगों के आराम पर ध्यान देता है, क्योंकि आपकी बुनियादी सेहत, आप कितना लंबा जीते हैं और आपका सिस्टम कैसे काम करता है, ये इन अंगों के स्त्रावों और काम पर निर्भर है। इसीलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखिए, अपने दफ्तर में ऐसे बैठिए। आप देखेंगे कि 2-3 सप्ताह में आपके जीवन में काफी बदलाव आ जाएगा। इतना योग तो आप कर सकते हैं। टिप नंबर 1, हमेशा बैठते समय अपनी रीढ़ सीधी रखें। अगर हमेशा ऐसा करना संभव ना हो, तो दिन में कम से कम 3 घंटे सजग होकर सीधा बैठें। सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर सोचें कि ये आपकी मृत्यु शैया है। आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट और है। पीछे मुड़कर देखें कि आपने आज जो किया, क्या वो सार्थक है। सिर्फ ये आसान अभ्यास करें और आप नहीं जानते कि ये असल में कब होगा। आप मृत्युशैया पर बैठे होंगे या अस्पताल में लेटे होंगे, और कई तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। किसे पता वो कैसे होगा, पर रोज इसका आनंद लें कि आप अपनी मृत्युशैया पर बैठे हैं। पीछे मुड़कर देखिए कि आज मैंने इन 24 घंटों में जो किया है, क्या वो सार्थक है, क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। टिप नंबर 2, सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करें। तो आप जैसी ध्वनियों में जागते हैं, वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति और आपके जीवन का भविष्य तय करेंगी। तो एक अलार्म से अचानक जागना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा होगा कि अगर आपकी नींद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं और जिस तरह के विचार और भावनाएं अपने अंदर रखते हैं, और आपने अपने शरीर में जीवंतता का जो स्तर बनाए रखा है, उससे तय होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। मान लीजिए आपको 8 या 12 घंटे की नींद की जरूरत है। मैंने गलत संख्या बोल दी। आपको जितनी भी नींद चाहिए, आप अपनी जरूरत जानते हैं। So you go to bed early now. तो पर्याप्त जल्दी सोने चले जाएं, ताकि आप अपने आप जाग सकें। अगर आप खुद जागते हैं और मान लीजिए आपको संदेह है कि आप जाग पाएंगे या नहीं, तो अगर आपके पास कोई मंत्र है, अगर आप किसी वैराग्य मंत्र से जुड़ गए हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 3, कोशिश करें बिना अलार्म के उठने की। अगर अलार्म लगाना आवश्यक हो, तो अलार्म ध्वनि का चुनाव सोच समझ कर करें।
अगर आप इसके लिए वैराग्य मंत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में जाकर दी गई लिंक पर क्लिक करें। शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो तो कुछ नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। तो आपको पता है, भारत में आपसे कहा जाता है कि आप जब जागें तो आपको दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। बताया है, अगर आप बाईं तरफ करवट लेकर उठेंगे तो आपके साथ खराब चीजें होंगी। खराब चीजें उस तरह नहीं, जब आप आराम की स्थिति में होते हैं। जब शरीर आराम में होता है तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है। जब आप उठते हैं तो सक्रियता में एक उछाल आता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है, देखिए ये चीजें जीवन का हिस्सा थीं, इन्हें आप छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपसे कहा गया कि सुबह जागने से पहले अपनी हथेलियां आपस में रगड़कर ऐसे देखना चाहिए। देखना नहीं, आपको उसे अपनी आंखों पर रखना चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है। अगर आप इन दोनों को साथ रगड़ेंगे तो सभी नसों के सिरे, आपके हाथों में ढेर सारी नसों के सिरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा करके देखिए, सब कुछ जागृत हो जाता है। तो सुबह शरीर को हिलाने से पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे अपनी आंखों पर रखिए। तुरंत आपकी आंखों और आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी नसें जागृत हो जाएंगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर और दिमाग को जागृत होना चाहिए। इसके पीछे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और फिर अपनी दाहिनी ओर करवट लेकर उठिए। टिप नंबर 4, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर लगाएं और चेहरे पर फेरें। इसके बाद दाईं करवट लेते हुए खड़े हुए। आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे, प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है? क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए? कोई गारंटी कार्ड नहीं। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं, बस इतना कीजिए, मैं बता रहा हूं यह आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुबह जब आप जागे तब जांचिए आप वाकई जगे हैं या मर गए। अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। 2.5 लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थे। उड़ गए है ना, कहीं भी देखिए वो नहीं मिलेंगे। यहां मैं अब भी जीवित हूं। एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे? मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूं। अगर 2.5 लाख लोग मर गए तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया। आप उन 3, 4, 5 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी आज जिंदा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं? जिंदा। अगर मान लीजिए अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप राहत महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे, है ना? तो जीवित होना इतना कीमती है कि नहीं? आपका जीवित होना इतना कीमती है। तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात में मर गए, मगर आप अब भी जीवित हैं। क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए? और सभी लोग जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सब आज जीवित हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट। दोस्तों, अभी तक सदगुरु ने जरूरत पड़ने पर हमें सही रास्ता दिखाया है, हमारा माइंड क्लियर करने में हमारी मदद भी की है, लेकिन अब समय आ गया है जब हमें सदगुरु के लिए कुछ करना है। आप सभी को पता होगा कि सदगुरु ने सूख चुकी कावेरी नदी को फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। इसके लिए इसके आसपास किसानों द्वारा सदगुरु और ईशा फाउंडेशन की मदद से
242 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों 242 करोड़ पेड़ लगाना बहुत बड़ा टारगेट है और ये तभी जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है जब हम इसमें सदगुरु जी की मदद करें। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और एक पेड़ के लिए मात्र 42 रुपए डोनेट करने हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पेड़ के लिए भी डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आपको सदगुरु की तरफ से इसका एक सर्टिफिकेट भी आपको सेंड किया जाएगा, जैसा कि एक मुझे भी मिला है जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं आप जरूर लगवाएं। एक पेड़ के लिए आपको मात्र 42 रुपए ही डोनेट करने होंगे, जो कि शायद आपकी एक दिन की पॉकेट मनी से भी बहुत कम है। दोस्तों अगर आपका अपना कोई प्रश्न हो तो आप दी गई मेल आईडी पर अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हम हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी आपका प्रश्न शामिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।